हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने क्या जा रहा हूँ कि अगर आपने नया रबर स्टैम्प का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या तो आपने रबर स्टैम्प का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो आपको क्या क्या लगता है। सब लोग पूछते हैं कि अगर मुझे स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए। और अभी एक तो आया था अगरतला से फ़ोन, शायद वेस्ट बंगाल से, कि मैं जिससे मशीन लिया वो मुझसे मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ बता नहीं रहे। आजू बाजू और जो दुकान वाले हैं वो बोलते हैं मैं तुमको सिखा दूंगा तो फिर मेरा काम कम हो जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। या जो जो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या जो स्टार्ट किए हुए हैं उनको क्या क्या, पहला तो ये मशीन लगेगा, एक तो ये सादा मशीन है, दूसरा ये प्रिंग की मशीन है जिसको सेल्फिंग भी बोलते लोग, फटाफट देता है ये, 2 मिनट में बनता है, और एक ये और बाकी 2-3-4 मशीन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और आपको और क्या क्या लगेगा वो मशीन दिखा दिया। दूसरा क्या लगेगा, एक प्रिंटर लगेगा लेजर, ये देख लो आप। आप सभी लोग पूछते हो कौन सा, ये देखो राइट साइड में देखेंगे ना, HP लेजर जेट, हाँ, 1P107 1020 कोई भी सेकंड में मिलता है, ले लो। ऐसा आपको DTP कर लेना है, यहाँ पे जो भी आपने टाइप किया उसको राइट क्लिक करो ब्लैक इसमें भर के, और उसके बाद इफेक्ट में जाके इन्वर्ट कर लो। ये तो आपको सब लोग को बहुत सारे वीडियो है मेरा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, DTP वाला वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड, और लगता क्या क्या है, एक तो प्रिंटर लगा और कंप्यूटर लगता है, ये देखो कंप्यूटर, या तो आप जो भी ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, ओके, बस। और प्रिंटर इतना ही लगता है, कुछ ज़्यादा कुछ लगता नहीं। और मशीन अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मशीन होता है। ये देखिए, एक प्रिंक मशीन ये भी है, इसका वीडियो आप लोग ऑलरेडी देखे रहेंगे, येलो कलर की मशीन जो शॉर्ट्स बहुत चल रहा है इसका, अभी 1 मिलियन पहुँचने वाला है। ठीक है, बाद में इसका हम डेमो दिखा, डेमो है चैनल पे, आप जाएंगे ना 2-3 वीडियो पहले जाएंगे तो इसका डेमो है। ठीक है, ये देखिए ये मशीन है, ये छोटी वाली मशीन जिसका मैंने एक ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो। ये हटाइए ज़रा फोम, ये 8 ट्यूब की मशीन होती है, ये देखिए ऐसा, ये 12-6 की होती है, 12-6, ओके, ये मशीन है, बंद कर दीजिए बस। ये देखिए कंपनी ने कुछ डाला है इस पर, 12-8 डाला है, 12-8 तो नहीं निकलेगा, 12-6, ठीक है। ये देखिए कि ये मशीन होती है सिंगल ट्यूब जो 5-6 हज़ार में आ जाती है, ओके, सिंगल ट्यूब होता है, ऊपर देखिए खाली है, ऊपर कुछ नहीं है, ओके फ्रेंड। अब ये मटेरियल क्या क्या लगता है आपको, सबसे फर्स्ट तो ट्रेसिंग लगता है, बताइए ट्रेसिंग पेपर, हाँ ट्रेसिंग पेपर ये है, आपको ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा आपको, बॉर्डर टेप लगेगा, प्रिंट इन्हांसर लगेगा, प्रिंट इन्हांसर नहीं है, प्रिंट इन्हांसर निकाल लीजिए। ये देखिए ये प्रिंट इन्हांसर है, ये मेरे मेथड से मतलब डायरेक्ट आपको अगर ट्रेसिंग पे बनाना है ना तो वो मस्ट है, उसके बिना सर जी आपका काम नहीं होने वाला, तो क्योंकि वो डार्क करता है। आज ही मैंने एक मशीन दिया है उसका डेमो देखो बनाया हुआ है मैंने, उनके साथ शॉर्ट्स भी बनाया है। ठीक है, रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन ऐसा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो अरे फ्लोरा लिक्विड से हम वापरते हैं इसलिए हम इसी का दिखा रहे। ठीक है, लिक्विड जो आपको अच्छा लगे, ट्रोडेट कोलब जो भी अच्छा लगे। ये आपको बॉर्डर टेप लगेगा, और क्या लगेगा आपको, बैक सीट लगेगा, ये बैक सीट, हाँ ये बैक सीट है, ओके, और उसके बाजू में जिलेटिन रोल है जिससे आपको ट्रेसिंग चिपकेगा। फिर डबल साइड टेप है देखो आप, ओके, और ये ऊपर हैंडल है, जो ऊपर हैंडल है ना दिख रहा है ना, आपको ये चिपकाना है स्टैम्प बनने के बाद, बस इतना ही आइटम लगने वाला है, कुछ ज़्यादा आपको लगने वाला है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आप क्या बनाएंगे, ये सब बना सकते हैं आप, मेरी डिजाइन इसके नीचे भी देखे रखे, ये देखिए इतना सारा। तो अब आपको क्या करना है, प्रिंट लेना है। ठीक है, तो ये सब तो आप देखो, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, सब पूछते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ना लाइसेंस लेना है, जहाँ भी है शॉप एक्ट लाइसेंस एक ले लेना है, जिससे कि अपने को गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए कि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा का क्या काम है, आपको मशीन वहाँ से लेना है जो आपको सर्विस दे दे, कहीं से भी ले लो आप, किसका भी मशीन ले लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसका मशीन ले के उसका मशीन ले, किसका भी आप मशीन ले सकते हो, जो बस अपने को जब कुछ हो मशीन में ना तो सपोर्ट करे। बहुत सारे हैं जो करते हैं आपका मशीन वो रिप्लेस कर देते हैं, वापस दे देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे एटलस वाले भी है, पूना वाले, श्रेयस वाले भी है, सब है, मशीन में कुछ होता है ना तो रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही लोग से लेना है जो आपको रिप्लेस करके दे। ठीक है, तीसरा क्या है, गलत स्टैम्प नहीं बनाना है, जो भी आपको लगे कि ये स्टैम्प बराबर नहीं है उसका स्टैम्प नहीं बनाना है।
ठीक है। तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा ध्यान रखेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं था। स्टैम्प लग रहा है आपको छोटा छोटा नहीं होता, उसमें बहुत रिस्क होता है, एक गलत स्टैम्प बन गया तो फिर बहुत भारी हो जाता है, इसलिए आपको हल्के में लेना नहीं, इसको सीरियसली मोड पे ही लेना है। जो भी आपको प्रोप्राइटर डायरेक्टर या जो भी राउंड कंपनी गवर्नमेंट का, तो स्टैम्प बिना लेटर एड के आपको बनाना ही नहीं है। मैं तो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट का स्टैम्प बनाता ही नहीं जब तक फुल्ली, या तो पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन से आए, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से ऑर्डर आए, स्कूल है तो स्कूल से आए, जीएसटी ऑफिस है, जो भी है वहाँ से डायरेक्ट अगर ऑर्डर आ रहा है, बैंक का है तो डायरेक्ट बैंक से आए। अगर कहीं से भी आ रहा है आपको ऑर्डर तो ऐसा ही नहीं उठा लेना है किसी का भी ऑर्डर, आपको प्रॉपर उससे डॉक्यूमेंट लेना है। और प्राइवेट है तो उनका गुमस्ता ले लो, जीएसटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है उनका ले लो, नाम का है तो आधार कार्ड, आईडी कार्ड ले लो आप, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा छोटा छोटा ध्यान रखेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके फ्रेंड, ये देखो प्रिंटआउट निकल गया ट्रेसिंग पेपर पर, अभी हम इसको डार्क करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, छोटा छोटा सब ध्यान रखना है कि कोई गलत स्टैम्प ना बने। और ऑर्डर कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है, ऑर्डर कहाँ से आएगा वो मेन है। अभी देखिए आपको दिखाया था प्रिंट एनहांसर, ये देखिए प्रिंट एनहांसर, ऐसा मार लेते हैं, उससे क्या होगा आपको डार्क ब्लैक हो जाएगा, ओके। और इसको हवा में सुखाना है, और इसमें ध्यान रखना है ना कि ये जो है पार्ट, ये वाला, ये उलट के आपको इस पर चिपके नहीं, जब तक वो सूखा नहीं है तब तक वो ख़राब हो सकता है वहाँ पे, अगर वो चिपक गया तो। अभी देखिए काम स्टार्ट हो गया उसका, और मेन क्या है, ऑर्डर कहाँ से आएगा, ये मेन है। तो ऑर्डर कहाँ से आएगा आपको, आपको देखो जो भी आपको फ्रेंड सर्कल है उनको बोलो आप, थोड़ा एडवर्टाइजिंग करो, गूगल पे डालो, जो भी आपको नियर में है सब उनको बोलो कि भाई मैं रबर स्टैम्प बनाता हूँ, फास्ट टाइम दूंगा, डिस्काउंट रेट में दूंगा, और हमेशा एक तरह का, ऐसा नहीं कि एक दिन दिए और ये, जो बिजनेस कोई भी हो, ये रबर स्टैम्प का हो या कोई भी हो, आप अगर कंटिन्यूटी है तभी आपको काम मिलेगा। आप एक दिन पूरा 7 बजे दुकान खोल दिए, दूसरे दिन 12 बजे खोल रहे तो नहीं चलेगा, आपको पूरा टाइम टू टाइम देना है। ओके फ्रेंड, टाइम देना है आपको एकदम फिक्स, हाँ ये टाइम पे हमारा दुकान, सबको मालूम रहना चाहिए कितना उनके यहाँ अगर ऑर्डर दिया तो स्टैम्प टाइम पे मिलेगा, मेन वो है। अभी कभी किसी का गुस्सा है, कभी कहाँ का फ्रस्ट्रेशन है, दुकान चालू नहीं किए, कस्टमर से बात अच्छे से नहीं कर रहे, सर्विस नहीं दे रहे उनको, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं तो ऑर्डर नहीं मिलता, और वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तो हो जाता है। मेन सर्विस है, मैं जितने भी देखा हूँ ना, टॉप जो बिजनेसमैन है या तो जो टॉप शॉप भी है, आप देखेंगे उनका सर्विस बहुत अच्छा है, कस्टमर को ये बहुत करते हैं, वैल्यू बहुत देते हैं। तो अगर आप ये देंगे तो छोटा से ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि सब, हम मुझे भी लगता था रबर स्टैम्प बिजनेस बहुत छोटा है, मैं पहले कंप्यूटर का और रबर स्टैम्प का करता था, तो आधे लोग को ये पता था मेरा ये मतलब पार्ट टाइम बिजनेस है और वो फुल टाइम बिजनेस है, और आज मेरा ये जो है फुल टाइम बिजनेस हो गया, मैं पूरा टाइम रबर स्टैम्प पे देता हूँ, मेरा 300 है फिर भी मैं यही बैठता हूँ क्योंकि मज़ा आता है इसमें। तो आप काम वो करो जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा ना वो काम में, फिर वो काम में प्रोग्रेस नहीं होगा और आपको भी प्रोग्रेस नहीं होगा। तो आपको जिसमें मज़ा आए उसमें ही काम करो। ओके फ्रेंड, अभी देखिए बॉर्डर टेप मार लिया, कैसे पेस्ट करना है वो सब आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं। अब लिक्विड डालने पर एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे मेन बात कि आपका मशीन एकदम प्लेन होना चाहिए, देखो चारों साइड में एक से तरह के जा रहे हैं, नहीं तो कभी क्या होता है कि लेफ्ट साइड में अगर लिक्विड आपका ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लम है, लाइट राइट साइड में आ रहा है तो क्या होगा, एक साइड भर जाएगा आपका, ठीक है, एक साइड पतला आएगा, एक साइड जाड़ा आएगा। कभी भी देखना, कई बार होता है आप देखेंगे ना तो ये साइड किसी किसी का ऐसा पतला भर जाता है, कभी ये साइड भर जाता है, उसका कारण क्या है पता है आपको। एक तो पहला कारण है कि लिक्विड अगर एक साइड में आएगा तो, दूसरा कारण है ये आपका ये बैक सीट, अगर ये बैक सीट फोल्ड है, जैसे बैक सीट कैसा आता है आपको राउंड होके आता है ना, तो राउंड ऐसा रहता है तो जब ऐसा रहेगा, ऐसा हो जाता है ना वो, तो आपका क्या होगा वो, अगर ऐसा रहेगा ऐसा तो पक्का उसमें क्या होने वाला है, वो एक साइड आपको भर जाएगा एक साइड का, और एक साइड जाड़ा पतला भी देखिए वो क्यों होता है, अगर आपका लिक्विड फ्लो है, समझो मशीन थोड़ा सा इधर से डाउन है या इधर से डाउन है, जिधर भी डाउन लेकर एक साइड हो गया या इधर का डाउन है, देखो एक साइड से बढ़ रहा है, एक तरह से चारों साइड बढ़ा, देखा आपने, ये मेरा भी था अभी कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने ठीक किया फिर उसको, नहीं तो फिर क्या होगा, एक तरफ जाड़ा एक तरफ पतला बनेगा। देखो हमने क्या दिया है, पैकिंग दिया हुआ है। आज एक मशीन लेने आए थे सर, उनका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, वो बोले रबर स्टैम्प स्टार्ट करना है, बात कर रहे थे, आए उनको ट्रेनिंग दिया। अब देखो डेमो बनाया है शॉर्ट्स में,
उनका फोटो भी है जिनको दिया है। अभी मैं वो चालू किया, पहले नहीं करता था। अभी एक प्रियंका भी लेने आए थे, उनका भी किया और इनका भी किया, उनको बना के दिखाया और उनका शॉर्ट्स बनाया, क्योंकि वीडियो के लिए उतना टाइम नहीं रहता तो नहीं बनाया। ठीक है, तो आप समझ गए लिक्विड फैलने का कैसा बिजनेस कैसे आएगा वो बता दिया मैंने। और बिजनेस आता है सर, अगर आप ना सर्विस देंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ। मैं पहले एक 2 स्टैम्प बनाता था, आज 200 स्टैम्प भी बनाते, रात भर है तो रात भर ही काम कर सकते, इतना काम रहता है। तो ठीक है, अगर आप काम करेंगे ना, काम की कमी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दूँ। लेकिन सिर्फ सर्विस रेट थोड़ा वाजिब लेना है, थोड़ा डिस्काउंट देना है, बस हो गया, कुछ बड़ा बात नहीं होता। ओके, और जो ट्रेसिंग पेपर है ना, हम तो 2 मारते, देखिए एक तो उधर लगाए और दूसरा क्या व्हाइट मारते, देखिए उसमें दोनों साइड से टेप मार दिया, एक साइड से निकाल के फिर वो रबर चिपका देते हैं, ये देखिए। अभी देखिए एक दिन का है ये, और ये ट्रांसपेरेंट रहता है, एक्रेलिक और मोल्डिंग हैंडल रहता है। ओके फ्रेंड, ये देखिए आपको बोल रहा था, फिर भी मेरा मशीन देखिए राइट साइड में ना आपको दिखेगा, लिक्विड नहीं पहुंचा, देखा आपने। अभी क्या, अगर ऐसे ही हमने बैक सीट डाल दिया तो क्या होगा, ये साइड में ना पतला रहेगा और ये साइड जो है जाड़ा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए इधर से लिक्विड है निकाला, ये देखिए खाली किया और उधर डाल देंगे। ओके, ये करना है आपको, ये हमने डाल दिया बैक सीट। ओके, ये आपको ग्लोसी पार्ट ऊपर रखना है और रब पार्ट नीचे, देखिए दोनों साइड में हमने पैकिंग डाला है, वो क्यों कि हाइट आएगा आपका बर्ड का। ठीक है, और ऐसा उसके बाद ग्लास रख देना। एक दिन क्या हुआ था, हमने ग्लास ही नहीं रखा था तो भी इस टाइम बन गया था, सिर्फ आपका हाइट का डिफरेंस होगा, बाकी कुछ नहीं। अब आपको टाइम दे देना है। अभी हमने क्या किया, दोनों स्विच ऑन रखा है और ये देखिए मशीन बंद किया। ओके, अभी ऑन कर दिया, दोनों ट्यूब ऑन है अभी। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, 59 पे बंद कर देंगे, देखिए ऊपर का बंद कर दिया, यानी 6 और 65 दे दिया। ओके, अब नीचे का चालू है, ये प्रिंग की है, अब हाइपो का पानी इसमें डालते हैं। ओके, अलग मशीन रख दिया है, वो जो पुरानी वाली मशीन थी उसको उसमें रख दिया है, और इसको ऐसे ही सिर्फ स्टैम्प बनाने के लिए यूज करें। ओके फ्रेंड, अब ये टाइम ख़त्म होता है, फिर हम लोग चेक करते हैं कैसा बना है। ये देखिए टाइम पूरा हो गया, अभी हम निकालते हैं और देखते हैं कैसा बना है। कितना सुंदर बना है देखे। अभी अगर आप देखो इसमें अगर आ गया ना डॉट, ये सब अगर लिक्विड ज़्यादा आ गया तो क्या समझने का, टाइम कम हो रहा है, और ये पूरा भर गया तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हम लिक्विड निकाल के आपको दिखाते हैं। ऐसे ना आपको जो भी लिक्विड एक्स्ट्रा है ना वो सब निकाल लेना है, अपने को दोबारा काम आता है लिक्विड ना। और ये देखिए डीप, देखिए कैसा आया है, कोई डॉट कोई बर्ड आपको टूटा हुआ दिख रहा है नहीं ना, वाशिंग के लिए कोई भी डिश वाश ले लेना है आपको, या शैम्पू से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं चलता है। ओके, और उसको अच्छे से एकदम धोना है, 2-3 बार पानी डाल डाल के धोना है, जितना अच्छे से वाशिंग करेंगे उतना क्लेरिटी आएगा। ओके सर, तो आपको वाशिंग अच्छे से करना है, एकदम क्लीन निकालेंगे तो चिकट नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर हाइपो के पानी में डाल देंगे और उसके बाद पेस्ट कर दो, हो गया काम। ये देखिए अभी क्या किया, वाशिंग के बाद ना ऐसा हाइपो के पानी में डाल देना है और लाइट चालू कर देना है आधा एक मिनट के लिए, ये एकदम मस्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, ये आपको करना ही है। अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए तो हाइपो के पानी में डाल दीजिए और लाइट चालू कर दीजिए। ओके फ्रेंड, और एक कम से कम आधा एक मिनट तक छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट नहीं चाहिए, आधा एक मिनट छोड़ दीजिए, आपको मस्त क्वालिटी एकदम ये नहीं रहेगा, चिक चिक नहीं रहेगा, हर्ष भी चिकट नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया निकल के आएगा। ओके, ये देखिए क्वालिटी, पीछे से बैक साइड से दिखा रहा हूँ, अगर अच्छा बनाएंगे ना पीछे से भी कितना क्लियर दिखेगा, देखिए वर्ड टू वर्ड उल्टा कीजिए उसको ज़रा, ये देखिए। तो अगर अच्छे से टाइमिंग अच्छे से इसको ये देखेंगे ना, टाइम देंगे और अच्छे से सब बनाएंगे, देखिए कितना क्वालिटी बनता है, कस्टमर खुश हो जाएगा और 2 रुपया ज़्यादा लेके जाएगा अपने को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उल्टे साइड का निकाल देना है, ये देखिए जब बैक साइड है ना जिधर से उल्टा पढ़ने को नहीं हो वो साइड से निकाल दो आप। ओके,
ये सब फ्रेशर के लिए है। अब जो पुराने हैं उनको तो सब मालूम है कैसे किधर निकालने का, जो नए हैं उनको। और एक बर्ड पकड़ लो कोई भी प्रोप्राइटर का, या कोई भी एक बर्ड पकड़ेंगे ना, सिर्फ एक लेटर पकड़ लो, स्टैम्प सेम टू सेम चिपकता है देखिए, और इसको ऐसा ठोक देना है, उससे क्या होगा फिर निकलेगा नहीं, बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है निकल जाता है। ये देखिए, देखा क्वालिटी आपने, क्या क्वालिटी आता है, एक वर्ड भी दिख रहा है आपको इधर से उधर, एकदम सेम टू सेम है। ओके फ्रेंड, अब इसको कट करके दिखाइए, कोई एक स्टैम्प कट कर लीजिए, वो पेड पेड कर लीजिए ना, पेड पेड, हाँ। ये देखिए हम लोग कटिंग कैसे करते हैं, तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप भी एक सा नए नए में थोड़ा दिक्कत होता है, बाद में नहीं होता। ये देखिए कैसा निकला है, देखा आपने। अब आपको क्या करना है, डबल साइड टेप लगा हुआ है तो सिर्फ निकाला एक साइड से और एक साइड से चिपक गया। ओके, अब आपको स्टैम्प मार के दिखाते हैं कैसा आता है। अब ये देखिए, अब उसको ना स्टैम्प मार के दिखाते हैं आपको, ये देखिए कैसा शार्प आया। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू, धन्यवाद। तो प्लीज़ स्टैम्प बनाओ, अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट पर डालो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट नहीं डाल रहे किसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ जिसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर डालिए और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जो भी आपको ट्रबल हो रहा है उसको डालिए आप, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और बाकी थैंक यू, धन्यवाद।